वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। सॉरी ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, लेकिन गाइस जो पुराना ब्लॉग आप लोग ने बहुत प्यार दिया दोस्तों, उसके लिए थैंक्स। और गाइस अगर अभी भी आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ अपने इस दोस्त को वैक्सीन लगवाने अपने स्कूल में। तो गाइस देखते हैं इसको आज लग पाता है कि नहीं वैक्सीन, और इसको सुई से बहुत डर लगता है। तो देखते हैं दोस्तों, स्कूल में जाके आप लोग से हम फिर मुलाकात करेंगे। दोस्तों मिलता हूँ आपसे कुछ देर में। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अशोकनगर, जहाँ मेरा स्कूल है। लेकिन गाइस थोड़ा रास्ता यहाँ पे तंग है, इसलिए हम लोग रिक्शे से उतर चुके हैं और अब हम पैदल ही सफ़र अपना तय करेंगे। और दोस्तों अभी सुई लगेगा, हुई माँ पंकज करेगा, नेहा कक्कर से ज़्यादा ड्रामा करेगा ये। तो दोस्तों बस थोड़ी देर में ही हम लोग स्कूल पहुँचेंगे, तो फिर आप लोगों को स्कूल में मिलते हैं हम लोग। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं स्कूल में। इसका पंकज को था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है इंजेक्शन लगवाने की घड़ी। तो दोस्तों देख सकते हैं अनाउंसमेंट हो रहा है स्कूल में। अभी मैं शायद अंदर पता ना कैमरा चालू कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। दोस्तों थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ। वो निकालना पड़ेगा तेरे को, बस सब चुभने वाला है, कांटा लगा हुई माँ। देखिए मुंह कैसे बना रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि पंकज को वैक्सीन लग चुकी थी, देख सकते हैं जैसे आप लोग पहले वाली क्लिप में। गाइज जितना हो सका मैं दिखाने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स थे इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। गाइज किसी को भी अगर यहाँ जो नोएडा या अशोकनगर के पास रहता है, वो इस स्कूल में आके वैक्सीनेशन अपना करवा सकता है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगी। अपना आधार कार्ड साथ लाए, वैसे तो सबको पता ही है वैक्सीनेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है। तो गाइज आज जो भी हुआ आप लोगों ने देख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होती और कोई डर नहीं होता दोस्तों, वैक्सीन लगवा सकते हैं आप लोग भी। और जिसने अभी तक नहीं लगवाई वो प्लीज़ आके यहाँ अशोकनगर सर्वोदय बाल विद्यालय या कन्या विद्यालय में आके लगवाएं। तो पंकज से पूछते हैं कि अभी उसको वैक्सीनेशन के बाद कैसा लग रहा है, भाई थोड़ा बताओ। गाइस अभी हम लोग अपने दोस्त पंकज से पूछेंगे कि उसको मतलब अभी कैसा फील हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद, कि कोई दर्द हो रहा है या चक्कर उक्कर तो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अभी चलिए पंकज के पास चलते हैं हम। पंकज बताओ यार तुम्हें मतलब अभी कोई दर्द ज़्यादा हो रहा है कि मतलब नॉर्मल दर्द जो होता है वो हो रहा है? नॉर्मल दर्द जो होता है वो हो रहा है। चलो कोई नहीं, और हमारे दर्शकों को बताओ कि मतलब कोई ऐसा तो नहीं कमजोरी वमजोरी फील हो रही है वैक्सीनेशन के बाद? मतलब ये सब एक हवाई था जो उड़ रहा था आसमान में कि कमजोरी होती है चक्कर आता है। तो भाई अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना एक दो दिन, कि कोई दिक्कत नहीं होती वैक्सीनेशन के बाद। आप लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं अशोकनगर के सरकारी स्कूल में आके। अभी हम आ चुके हैं सेक्टर 2 के पार्क में, और अभी हम लोग थोड़ा क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे, क्योंकि आज हम लोग की छुट्टी थी, तो छुट्टी का हम लोग उपयोग करेंगे खेल के सदुपयोग। गाइज ये देखिए, इसको तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ये है राजू भाई। तो अभी हम सब खेलेंगे क्रिकेट, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है आगे। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग अभी क्रिकेट खेलेंगे, तो अभी देखिएगा थोड़ा क्रिकेट खेलते हुए हम लोग। कर गाइज अभी मैं घर पे आ चुका हूँ पार्क से, उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा पढ़ाई करने। कल मेरे को जाना है ट्यूशन, और ट्यूशन का काम भी थोड़ा रह रहा था, और बाकी मैथ्स का भी थोड़ा सवाल बना लेंगे। देखते हैं, थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ दोस्तों पढ़ने के बाद। काम ख़त्म कर चुका हूँ, जो भी काम मेरा बचा था। तो गाइज अब मैं एडिटिंग करूँगा जो भी मैंने व्लॉग शूट किया है आज। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा के हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।